ये रहा भाई हमारा एक्रोपोवी का एग्जॉस्ट, फुल ब्लैक है ये और साथ में विद डीवी किलर है। ठीक है, ये मत सोचना कि डीवी किलर नहीं है तो बहुत शोर मचेगा। वाकई यार बंदे देखा, नाम लिखा अपना, घर पे जाके देखना। ठीक है ठीक है, अब चलेगा भाई बिना डीवी किलर के। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है भाई सब बढ़िया होंगे एंड बढ़िया ही होने चाहिए। तो गाइज, लास्ट वाली वीडियो आपने देखी थी गाइज, टू बी कंटिन्यू थी, क्योंकि भाई वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पे एंड कर दिया गया था। तो बाकी आपने मेरी बाइक जो है भाई उस व्लॉग में भी नहीं दिखी आपको, तो इस व्लॉग में भाई आपको पूरी बाइक दिख जाएगी लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। एंड आज हम अपनी बाइक पे इंस्टॉल कराने वाले हैं भाई एक्रोपोवी का एग्जॉस्ट। ठीक है ना, तो बहुत मतलब क्रेजी रहने वाला है। पता नहीं भाई, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एग्जॉस्ट का, तो मुझे भी नहीं पता भाई कैसा रहेगा मेरे साथ सिस्टम वगैरह, उसके साथ क्या साउंड वगैरह है, तो वो तो जब लगेगा तब भाई पता लग ही जाएगा। बाकी आपको बाइक दिखा देता हूँ मैं थोड़ी सी। ठीक है, ये चेक करो अपनी कुछ इस तरह की बाइक लग रही है, गोल्डन अलॉयज के साथ एंड भाई थोड़ी बहुत स्टिकरिंग वगैरह। तो पूरी बाइक में आपको भाई पूरा डिटेल में ना मतलब लास्ट में बताऊंगा जब एग्जॉस्ट वगैरह लग जाएगा, कि इसमें मैंने क्या क्या इंस्टॉल कराया, क्या क्या भाई मैंने करवाया एंड कितने में लगा, सब कुछ बताऊंगा, एग्जॉस्ट का प्राइस भी बताऊंगा। तो अभी चलो आज हम लगाने वाले हैं इस पे भाई एक्रोपोवी का एग्जॉस्ट। तो ये वाला अपना भाई कस्टम जो है भाई कंपनी वाला, तो ये तो निकल जाएगा एंड फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं है भाई, मैं बेल्डिंग करवाऊंगा, तो अपना एग्जॉस्ट यहाँ से कटेगा एंड यहाँ पे बेल्ड हो जाएगा। तो अभी आपको एग्जॉस्ट दिखाते हैं एक्रोपोवी का मैंने, जो कि भाई ऑनलाइन मंगवाया था एंड मैं आजकल भाई ऑनलाइन ही मंगाता हूँ क्योंकि ऑफलाइन बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, और मैं बैंडियो पिट शॉप से मंगाता हूँ जो कि भाई और कोई स्टेट में है भाई, बहुत अच्छे प्राइस में मतलब वहाँ से ना सामान मिलता है, ऑनलाइन आ जाता है। तो आजकल मैं कुछ भी मंगाता हूँ तो वहीं से ही मंगाता हूँ। मैंने राइडिंग बैग लिया था, वो भी मैंने वहीं से मंगाया था एंड एक्रोपोवी का एग्जॉस्ट भी मैंने यहीं से मंगाया था। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं भाई हम एग्जॉस्ट। भाई मैंने पहले से एग्जॉस्ट मंगा के रख लिया था, आप सबको पता है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ एग्जॉस्ट, उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो भाई थोड़ा कपड़ों को मेरा इग्नोर करना भाई, तीन चार दिन से ना भाई बाइक के पीछे ही काम लगा हुआ है तो थोड़े गंदे वगैरह हो गए हैं। तो बाकी चलो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं हम अपने एग्जॉस्ट की। सो गाइस, ये रहा अपना एक्रोपोवी का एग्जॉस्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये मैंने देखो भाई यहाँ से मंगाया हुआ है बैंडियो पिट स्टॉप से। तो अगर किसी को भी चाहिए तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके ना बैंडियो पिट स्टॉप को सर्च करना, वहाँ पे भाई बहुत सारी चीजें आएगी, हर एक बाइक की मतलब एक्सेसरी मिलेगी आपको, बाइक से रिलेटेड कुछ भी मिल जाएगा। तो ये रहा भाई एग्जॉस्ट, अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने पहले से थोड़ा बहुत खोल के रख दिया हुआ था भाई, क्योंकि तुम्हें पता है भाई रहा नहीं जाता, इसलिए पहले चेक करना पड़ता है। तो तुम सबको दिखाते हैं अभी। सो पहले तो ये हमें ये एक्सेसरीज मिलती हैं इसमें लगाने के लिए बाइक पे, जिसपे एग्जॉस्ट रखा जाएगा। तो बाकी आपको एग्जॉस्ट दिखाता हूँ। तो ये रही भाई मेन चीज़ जो कि हमारी इसमें लगेगी बाइक में। ठीक है, तो ये चेक करें भाई, ये फील अलग ही है भाई, जब मैंने फर्स्ट टाइम निकाला था ना मज़ा आ गया था। तो ये रहा भाई हमारा एक्रोपोवी का एग्जॉस्ट, फुल ब्लैक है ये और साथ में विद डीवी किलर है। ठीक है, ये मत सोचना कि डीवी किलर नहीं है तो बहुत शोर मचेगा, ये डीवी किलर है। डीवी किलर आप निकाल सकते हो, अगर आपको और ज़्यादा साउंड चाहिए यहाँ से आप एलकी के साथ इसको निकाल दो, आपकी साउंड जो है भाई और ज़्यादा लाउड हो जाएगी। बट अगर आप ये इंस्टॉल कर देते हो तो साउंड जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो भाई बाकी तुम सोचोगे कि इसमें तो भाई एक्रोपोवी कहीं लिखा नहीं है, तो ये आपको भाई एक अलग से स्टिकर मिलता है एंड ये आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये एक्रोपोवी एग्जॉस्ट बन गया, साथ में कुछ इसके स्टिकर्स मिलते हैं बैंडियो पिट स्टॉप के, भाई बहुत मस्त मतलब पिट स्टॉप है भाई, मस्ट विजिट यार। ठीक है, कुछ भी मंगाना होगा ना भाई यहाँ से मंगाना। सो ये रहा भाई अपना एग्जॉस्ट, आज अपनी R15 V3 में इंस्टॉल होने वाला है, BS6 गाड़ी है ये, बहुत मजा आने वाला है। सो ये कुछ इस तरह से लग जाएगा भाई यहाँ पर। तो बस यही था एग्जॉस्ट। तो चलो अभी यहाँ से हम चलते हैं भाई सर्विस स्टेशन में, वहाँ पे इसको भाई कटवाते वगैरह एंड ये वाला जो एग्जॉस्ट है भाई इसका साउंड वगैरह चेक करते हैं भाई क्या सीन रहता है। ठीक है ना भाई, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो एक्साइटमेंट हो रही है, जो मेरे साथ कैमरामैन है उसको भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि भाई हाँ इसकी साउंड वगैरह सुननी है। ऐसे तो बहुत सारी सुनी है बट अपनी की भाई कुछ अलग ही फील होता है। तो चलो अभी फटाफट चलते हैं इसको भाई इंस्टॉल करवाते हैं हम एंड पूरी लुक जो बाइक की है ना मैं एग्जॉस्ट लगाने के बाद आपको भाई लास्ट में दिखा दूंगा, वो क्रेजी वाले भाई सिनेमैटिक्स भी आ जाएंगे। सो
चलो भाई अभी चलते हैं सर्विस स्टेशन। 2000 years later. तो गाइस अभी हम आ चुके हैं शॉप में एंड अपनी बाइक देखो भाई एग्जॉस्ट खोल दिया हुआ है और अभी भाई काटने की देरी है, बस इससे अपना एग्जॉस्ट जो है काटेंगे। तो ये कह रहा था भाई कि बैंड पाइप लगा ले, बट मैंने कहा कि बैंड पाइप नहीं लगानी, उससे पता नहीं यार थोड़ा बहुत सीन हो जाता है, मैंने ऐसे सुना है। तो अभी काटते हैं इसको, फिर उसके बाद हम इसका वेल्डिंग करवाने जाते हैं और मैकेनिक साहब आ गए अपने, हमारे जीनियस मैकेनिक साहब। तो अभी बस काटने की तैयारी लगे हुए हैं, तो काटो भाई इसको हमारे एग्जॉस्ट को यहाँ से, ठीक है। बार बार मैं तो बोल रहा काट दूँ काट दूँ, दिल में दर्द करवा रहा है मेरे, दुखते बहुत लग रहे हैं। कैसा लग रहा है तेरे को, कैसा लग रहा देख के? अच्छा नहीं लग रहा भाई, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा सीरियसली, जब उसको दर्द हो रहा है ना। हमारे मैकेनिक साहब का बोर्ड ख़राब हो गया था, ये तैयार किया अभी इसने, कट लग गया थोड़ी सी, अभी पूरा काट रहा है, पकड़ इसको ही साइड से कट रहा है भाई, पूरी ना आग आग निकल रही है ये। एग्जॉस्ट निकाल दिया पूरा कटिंग करके, ठीक है, यहाँ से काटा है इसने। तो इसके बिना आपको साउंड सुनाते हैं बाइक की, कर स्टार्ट। विदाउट एग्जॉस्ट के, एग्जॉस्ट नहीं लगा अभी, अभी आ चुके हैं हम वेल्डिंग करवाने एंड इसको वेल्ड करवा रहे हैं भाई। और इसमें ना बहुत दिक्कत हुई वेल्डिंग करवाने के लिए यार, तो चलो पर हो ही गया। सही बोल, अब नहीं देखते, दिखा दिखा ना, दिखा तो सही क्या लिखा, अरे दिखा तो सही, दिखा तो सही, दिखा ना, जानू स्टैंड देखने जाना है यार। चल जानू स्टैंड दिखाऊंगा, दिखा पहले। वाकई यार बंदे, देखा नाम लिखा अपना, घर पे जाके देखना, ठीक है। डैल पूरी निकाली, चश्मा चश्मा निकाल के पीछे देख रहे हो। तो भाई मैं अभी वेल्डिंग करवा कर आ चुका हूँ उसको, साइलेंसर को। तो यहाँ से पूरा वेल्ड किया गया है इन्होंने, ये देखो। पहले तो भाई बेल्ट नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से ऐसे बेल्ट हुआ, मैकेनिक साहब गया था ना हमारे साथ, तो फिर उन्होंने बेल्ट कर दिया थोड़ी बारिश में। तो अभी फिट कर रहे हैं इसको पूरा, जब ये फिट हो जाता है पूरा फिर आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। पहले तो भाई बिना साइलेंसर के लेके जा रहा था ना, तो मतलब इतनी खतरनाक आवाज आ रही थी ना, बट इसके साथ इतनी कम होगी ना, तो अभी सुनाते हैं, अभी पूरा लगा लेते हैं फिर। सो फाइनली हमारा एग्जॉस्ट भाई पूरा फिट हो गया हुआ है, ये चेक करो भाई। तो अभी इसका स्टिकर है हमारे पास एक्रोपोवी का, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो बाकी मैं आपको इसके अभी साउंड सुनाता हूँ कि साउंड कैसे आ रही है। तो इस तरह की इसकी आवाज है कुछ, अभी टीवी के लिए लगा हुआ है तभी ऐसी आवाज आ रही है। The next day. गाइस अपनी पूरी बाइक जो है भाई मॉडिफाई हो चुकी है। लास्ट वाले व्लॉग में भाई टू बी कंटिन्यू था, वहां पे मैंने बाइक आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अगर पहले दिखा देता ना तो फिर तुम्हें मजा नहीं आना था अभी बाइक देखने का। तो अभी अपनी बाइक जो है भाई फुल मॉडिफाई हो चुकी है विद एग्जॉस्ट के साथ। तो ये खड़ी है अपनी बाइक एंड अभी आपको दिखाता हूँ मैं बाइक एंड क्या क्या इंस्टॉल करवाया है, सो वो भी दिखाता हूँ। सो ये रही हमारी बाइक, पहले तो तुम लुक देखो भाई बाइक की यार, क्या लग रही है। अगर अच्छी लग रही है भाई तो कमेंट बॉक्स में ना जरूर मतलब एक कमेंट करना इस बाइक के लिए। एंड मैंने भाई कोई ऐसी मतलब एक होता है ना भाई छपरियों वाला रैप, वो मैंने बिल्कुल नहीं करवाया है, कोई रैप वगैरह, बस रैप करा दो भाई मॉडिफाई हो जाती है। तो मैंने एकदम सिंपल लुक रखी हुई है एंड 50% मॉडिफिकेशन की हुई है, जो कि हद से ज़्यादा तक मतलब अच्छी लग रही है, ना कि फुल मॉडिफाई की है। कोई देख के बोल भी नहीं सकता कि मॉडिफाई है, बट तगड़ी मॉडिफाई की है मैंने, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 50% मॉडिफिकेशन होगी एंड लग भी इतनी प्यारी रही है ना भाई। तो ये चेक करो यार, ये देख रहे हो, और ये लगा भाई इस पे एक्रोपोवी का एग्जॉस्ट, जैसे ही आपको पता है आपने देखा था, ये मैं किया था करवाने, तो बेल वगैरह हुआ था पूरा यहाँ से। एंड ये एक्रोपोवी का एग्जॉस्ट है, तो इसका भाई मैं डीवी किलर निकाल रहा हूँ, बट ना यार इसका डीवी किलर जो है भाई वो निकल ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश की। तो चलो पहले आपको बताते हैं हम कि बाइक में हमने क्या क्या लगाया, देन लास्ट में आपको इसकी साउंड सुनाएंगे। सो फर्स्ट मैंने जो इसमें इंस्टॉल करवाया वो है ये लीवर प्रोटेक्टर,
ये देख सकते हो, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे भाई लीवर प्रोटेक्टर, क्योंकि ऑनलाइन मुझे बहुत सस्ते पड़ रहे थे। ऑफलाइन भाई कुंदन के पास इतने महंगे थे ना, तो मैं प्रेफर करूंगा कि भाई ऑनलाइन ही मंगाना। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया भाई ये क्रैश गार्ड, जो कि पहले के लगाए थे मैंने, बट वो टूट गए थे इसलिए मैंने ये न्यू इंस्टॉल करवाए थे। एंड उसके बाद यहाँ पे भाई गोल्डन अलॉयस करवाए हैं, फ्रंट भी करवाया है, एंड उसके बाद बैक भी करवाया हुआ है। और मैंने भाई यहाँ पे इसके लिए क्लच मंगवाए थे जो ब्लू कलर के हैं, बट वो वाले जो क्लच थे ना वो लगे ही नहीं इसमें, वो गलती से उन्होंने मुझे किसी और के बाइक के सेंड कर दिए थे, तो उसकी वजह से मैं क्लच नहीं लगा पाया। तो अब सोच रहा हूँ कि इन्हें ही यहाँ पर ना इसको पूरा निकाल के ये सिल्वर करके भाई इसके ऊपर ना पेंट मार दूंगा भाई, ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट, क्योंकि इसकी वजह से ना पूरी बाइक की लुक खराब हो रही है। आप खुद ही देखो, ये देखो पूरी बाइक इतनी अच्छी लग रही है, बस इसकी वजह से लुक खराब हो रही है, तो इसको ना फुल ब्लैक कर देंगे हम। एंड आगे से मैंने ब्लैक कराई है पूरी, और यहाँ से ऊपर से ब्लैक करवाई है। देन उसके बाद पीछे तो कुछ ऐसी लुक आ रही है, इंडिकेटर इंस्टॉल करवाए थे दूसरे, तो कैसी लगी आपको बाइक आप खुद ही बताना, ठीक है। मतलब मैंने अच्छी से अच्छी मॉडिफिकेशन की है ना, बिल्कुल वो ओवर नहीं की है भाई, बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। एंड जब ये मैं बना रहा था भाई, उससे पहले मैं सोच रहा था कि भाई कैसी लगेगी, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था। मतलब बीच में भाई मन भी हट रहा था कि रहने देता हूँ यार, अच्छी नहीं लगेगी, गोल्डन लॉय करा दूंगा तो भाई एकदम ऐसे बेकार लगेगा, वो कुछ जने ने बोला भी था, बट फिर भी मन में था नहीं करना ही करना है। बट भाई किया तो भाई रिजल्ट ना काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा आया है, तो ये देख सकते हो आप। तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताना आपको बाइक कैसे लगी हमारी, एंड गोल्डन लॉयज कैसे लग रहे हैं ये, एंड ये स्टिकर लगाए एक नॉर्मल, बिल्कुल भाई नॉर्मल बाइक बनाई है, प्यारी लग रही है ना इतनी, तो कमेंट करके भाई ज़रूर बताना। तो चलो अभी आपको एग्जॉस्ट की हम साउंड सुनाते हैं, तो अभी तो भाई इसमें डीवी ग्लेयर लगा है, तो डीवी ग्लेयर के साथ साउंड सुनाते हैं, ठीक है। ये एक्रोबॉबी का एग्जॉस्ट है, तो अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं हम। ये चेक करो भाई, अभी स्टार्ट हो गया बाइक, भाई अभी इसमें डीवी ग्लेयर उतारा नहीं है। डीवी ग्लेयर आप देख सकते हो, ये डीवी ग्लेयर लगा हुआ है, इसको उतारने में मैंने बहुत कोशिश की, बट ये ना निकल नहीं रहा था, क्योंकि मैंने भाई पेचकस वगैरह नहीं लाया था, कपड़े से निकाल रहा था बट निकल नहीं रही थी। तो डीवी ग्लेयर के साथ ऐसी साउंड है, डीवी ग्लेयर के बिना कैसी होगी तो आप खुद ही सोच लो। आगे आपको और व्लॉग्स में दिखाएंगे, डीवी ग्लेयर निकाल के भी पूरी साउंड सुनाएंगे भाई, कहर मचेगा। कि फिलहाल तो अभी ऐसी साउंड आ रही है, तो एक रैप वगैरह और देता हूँ तो सुन लो। बाइक देख रहे हो भाई, खतरनाक वाली साउंड हो चुकी है, बट इसको आप स्लो बाइक चलाओगे ना तो ज़्यादा साउंड नहीं आती है, मतलब जितना ज़्यादा आप रैप करोगे ना, जितना आरपीएम दोगे उतनी ज़्यादा लाउड आवाज़ होएगी। भाई अभी यहाँ पर राइडर राजा आ गया, ये चेक करो भाई, ठीक हो? बस ठीक, आप बताओ ठीक हो? और इसके साथ दूसरा भी है सुरेंद्र भाई, अपना भाई स्पेशल बंदा, गाड़ी चेक कर बाइक चेक करने आया मेरी इतनी दूर से, पंच तीर्थी बुला रहा था, बट फिर मैंने बोला यहाँ पर आ जाओ, कल वाली लोकेशन पे ही पहले भी आए थे ये। तो अभी इसको ना हम अपनी बाइक की जो है भाई साउंड सुनाते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट की बोल रहे सुना दो, तो सुनोगे? पर जाओ ना आप उसके एग्जॉस्ट के पास जाओ, मैं फिर साउंड दिखाता हूँ, देखो अभी नीचे जाओ ना आप, पहले नीचे मतलब नीचे बैठ के सुनो ना, अभी डीवी किलर नहीं है, डीवी किलर लगा ना इसमें, डीवी किलर निकल नहीं रहा था बिना डीवी किलर के भी, ऐसे आवाज प्यारी है, मतलब ना ज्यादा इरिटेटिंग है। तो कैसा था? सेक्सी। अच्छा, ओ पैसा वसूल, पैसा वसूल, ठीक है भैया आपका ओके। चलाना राइड मार दे, बैठ पीछे। ओ भाई राइडर राजा कह रहा है राइड मारनी है, जाओ चला के रहो, चलाना बैठ पीछे, आप जाओ ना बैठना पीछे, मैं ही बैठो, आप जाओ। फील तो आ रहा है, क्या फील है? चढ़ेगा ना तेरा मन नहीं करेगा, जैसे मेरी बाइक है ना मन करता थ्रॉटल छोड़ने का, वो निकलो ना डीवी किलर, मजा आया। अभी डीवी किलर नहीं निकला, डीवी किलर निकलेगा जब फिर और साउंड होगी। तो भाई अभी हमने डीवी किलर निकाल लिया बाइक का बड़ी मुश्किल से, ठीक है, राइडर राजा गाड़ी लेकर आया था तो इसकी मदद से पूरा डीवी किलर निकाला। तो अब बिना डीवी किलर के हम आपको साउंड सुनाते हैं, ठीक है, ये निकालते हैं पहले, गर्म होगा, ठीक है, अब चलेगा भाई बिना डीवी किलर के। ये
गाड़ी आवाज आ रही है ना यार बिना डीवी क्लियर के, क्या ही बताऊं यार। इतनी देर से कोशिश कर रहा डीवी क्लियर निकालने की,